हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है दशहरा, तो यहाँ पे ईरू को भारती दीदी नहला रही हैं। सबसे पहले नहलाना बनता है, आज त्यौहार है, ईरू का पहला फर्स्ट फेस्टिवल है दशहरे का। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग को। हैप्पी दशहरा बच्चों, हैप्पी दशहरा पापा जी। देखो जलेबी भी लाया हूं मैं आपके लिए, खीर लेके आया हूं पूजा के लिए। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपने फेस में फेशियल करने के लिए, क्योंकि अब बैक टू बैक जो है वो फेस्टिवल आने वाले हैं, करवा चौथ आने वाला है। तो करवा चौथ में अपने आपको पैम्पर तो करना बनता है। तो मेरे पास यहाँ पे दो फेशियल किट है, एक है राइस फेशियल किट एंड दूसरा है उपटन फेशियल किट। तो दोनों ही फेशियल बहुत ही अच्छे हैं, सो मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ राइस फेशियल किट जो कि मामा अर्थ का है। तो आप सब जानते हैं मामा अर्थ मेरी फेवरेट ब्रांड है एंड बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारी इंडियन ब्रांड है। इसमें किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल नहीं होता है, ऑल नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। तो अगर इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें है राइस वाटर एंड नियासिनामाइड जो कि बहुत अच्छा है स्किन के लिए। साथ ही साथ ये जो उपटन वाला फेशियल किट है, इसमें है टर्मरिक एंड सेफ्रन, ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। दोनों ही स्किन को ब्राइटनिंग एंड ग्लोइंग बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फेशियल को। सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है वो यूज़ करूँगी, जो कि है क्लीजिंग मिल्क। तो क्लीजिंग मिल्क को आप थोड़ा सा अपने हाथ पे इस तरह से ले लीजिए एंड डॉट डॉट करके अपने फेस पे फेशियल मोशन की तरह ही अप्लाई कर लीजिए। एंड फिर उसके बाद आप उसको या तो कॉटन पैड से या फिर वाइप से अच्छे से वाइप कर दीजिए। आपका स्किन एकदम क्लीन एंड सॉफ्ट हो जाएगा, जो भी गंदगी है वो आराम से दूर हो जाएगी। सेकेंड स्टेप है यहाँ पे स्क्रब। तो स्क्रब बहुत अच्छा होता है हमारे फेस के लिए, हमारे स्किन के लिए। जो भी ब्लैक हेड्स या फिर वाइट हेड्स होते हैं वो बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं। नोज़ पे आप अच्छे से इसको रब कर लीजिए और फिर इसको 2 से 3 सेकंड करने के बाद ही आप इसको क्लीन वाटर से वॉश कर लीजिए। आपकी स्किन अंदर से डीपली क्लीन हो जाएगी और जब आप इसको वॉश करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपकी स्किन जो है वो पहले से ज़्यादा सॉफ्ट और सफल हो गई है। थर्ड स्टेप है यहाँ पे जेल। तो जेल भी थोड़ा सा आप अमाउंट ले लीजिए अपने हाथ में और डॉट डॉट करके अपने फेस पे इसको अप्लाई करिए। इससे भी आपको मालिश करनी है, अपने फेस पे मसाज करनी है, वही फेशियल स्टेप्स जो होते हैं वही आप फॉलो करिए। मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि किस तरह से आपको फेशियल स्टेप यूज़ करने हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में आपको अपने सारे फेशियल स्टेप रखने चाहिए। और तो अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो मैं अपना आपको एक कूपन कोड दे देती हूँ, जिससे कि आपको 20% ऑफ मिलेगा mamaearth.in पर और उसकी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूँगी। एंड मामाअर्थ के प्रोडक्ट अब तो आपके लोकल स्टोर पे भी इजीली मिल जाते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको मामाअर्थ की वेबसाइट पर अमेज़ॉन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल पर ईजिली ये प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो जेल के बाद यहाँ पे मसाज क्रीम यूज़ करना है, जो कि फोर्थ स्टेप है। चलिए अपने फेशियल को स्टार्ट करते हैं और अब इसको आपको 10 मिनट तक अच्छे से अपने फेस पे मसाज करनी है। घर बैठे आप इस तरह से अपने फेस पे मसाज कर सकते हैं, फेशियल कर सकते हैं, क्योंकि फेशियल कराने के लिए धूप में बाहर निकलना, फिर उसके बाद पार्लर में जा करके वेट करना, इंतज़ार करना, लाइन लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप घर बैठे आराम से अपने फेस पे फेशियल कर सकते हैं और सेम ग्लो पा सकते हैं। एंड आप सब जानते होंगे मामाअर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है एंड इंडियन ब्रांड है। जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं। मामाअर्थ हैज़ लॉन्च्ड इट्स ऑफिशियल ऐप, यूज़र कैन गेट अर्ली एक्सेस टू सेल एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो यहाँ पे मेरा फेशियल जो है वो कंप्लीट हो गया है। या तो अब आप लगा रहने दीजिए क्रीम या फिर टिश्यू से वाइप कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे वाइप कर लिया है। फिफ्थ स्टेप है यहाँ पर मास्क। तो चलिए अब अपने फेस पे फेस पैक लगा लेते हैं। एक पतली सी लेयर आपको अपने फेस पे अप्लाई कर लेनी है और इसका जो रिजल्ट है वो आप लास्ट में देख करके मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको। तो यहाँ पे 10 मिनट के बाद आप अपना फेस वॉश कर लीजिए या फिर आप वाइप से भी क्लीन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वाइप से अपने फेस को क्लीन कर लिया है। तो बस यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप बचा है, जो कि है क्रीम। तो बस अपनी लास्ट वाली क्रीम जो है वो अप्लाई कर लेंगे और हमारा फेशियल जो है वो तैयार हो गया है। अब आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो अभी यहाँ पे पीहू की फ्रेंड काव्या भी आई है। एक्चुअली उन दोनों को आज जाना है कन्या खाने के लिए और यहाँ पे दशहरा पूजा जा रहा है। तो किस तरह से पूजा जाता है, क्या होता है, वही मैं अपना ट्रेडिशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने ससुराल का। और रायता ज़रूर बनता है लौकी का, मैंने आपको पहले भी बताया है। सो वही सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। यहाँ पर पाटे पर मम्मी ने कुछ तो बनाया है। तो यहाँ पे सबके पापा जी टीका लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले ईरू के ही लगाएंगे, क्योंकि वही सबसे छोटी हमारे घर में अभी है और उसका फर्स्ट दशहरा है इसलिए। तो एंड जब यहाँ पे दशहरा पूज जाएगा उसके बाद ही फिर हम लोग कुछ खाएंगे। तो अभी हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है।
अच्छे अच्छे काम करने हैं, बड़े बड़े काम, जिससे हमारा सिर ऐसे रहे ऊपर। और चावल लगाने का मतलब है धन धान्य से पूर्ण हो जाए, अमीर बन जाए। देखो ये विद्वान चार वेद और छह शास्त्र का ज्ञाता था। भगवान राम की जो पत्नी थी सीता जी, उनको उसने कहा कि बहुत सुंदर है, मैं इन्हें अपनी रानी बनाऊंगा, और वो ले गया उन्हें उठा के। भगवान राम लग गया, हाँ लग गया राई साहब के, थोड़ा लगा है पर लगा है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन भगवान राम जो थे वो इतने अच्छे थे कि वो दुश्मन के अंदर भी अच्छी बात होती है जो उसको देखते थे। जब उन्होंने रावण को मारा और उन्होंने उससे पूछा कि अपने जीवन की अच्छी बात बताओ, तो रावण ने कहा कि कोई भी अच्छा काम करने में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्रम शुभ कार्यों को जल्दी करना चाहिए, ठीक है, और बुरे कामों को टाल देना चाहिए। बोले मैंने शुभ कार्य को अच्छा किया नहीं, मैं चाहता तो समुद्र के खारे जल को अच्छा कर देता, मैं चाहता कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता, स्वर्ग तक सीढ़ी बना देता सोने की, लेकिन आज कल के ऊपर मैं टालता गया और अब मेरी मृत्यु आ गई, अब मैं कैसे कर सकता हूँ। इसलिए अच्छे कार्यों को जब भी ध्यान में आ जाए तुरंत कर दो, उसे टालना नहीं चाहिए, डिले मत करो, और बुरी बातों को टाल देना चाहिए, लड़ाई करना और सब बुरी बात किसी को कहना, बदला लेना ये बुरी बात है, इसलिए जो है हमें अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे पापा जी बच्चों को स्टोरी बता रहे हैं दशहरा क्यों मनाते हैं वो सारी बातें, और बच्चों को इस तरह छोटी छोटी बातें ज़रूर बताना चाहिए हर त्यौहार के बारे में। सो वही यहाँ पे हो रहा है। राम लक्ष्मण जान की जय हनुमान। ये पीहू की पसंद की चीज और गुरु की पसंद की चीज लाए हैं, गरम गरम जलेबी, मगर इसमें रख के शायद सॉफ्ट हो गया। रायता पूजो पायता पियो रायता पियो रायता पियो रायता, और चम्मच दे दो सबको एक एक। पायता मतलब पायता ही तो कहते हैं इस दशहरे को। अच्छा पूजो पायता पियो रायता, ओके पियो बच्चों पियो, लो इन्हें पिला दो छोटा छोटा, मुंह खोलो ऊपर से खा लो। अब इसकी चम्मच, अब इसको दूसरी दही करे सही, क्या कहा हमने, दही खाने से ना लैक्टोबैसिलस होता है इसके अंदर, जो अच्छे बैक्टीरिया। आप भी ले लो जरा सा, तुम्हारा तो छुआ देते हैं कटोरी, हम तो छू लेते हैं उसमें। उस दिन भी कथा वाले दिन भी हमने प्रसाद तो ले चख ही लिया था। गाइस घर की पूजा जो है वो हो गई है, और बस चाय भी पी लिया है मैंने, चाय बनाया फटाफट से, हम लोगों ने चाय पिया, जा रहे हैं नीचे मंदिर दर्शन करने में, मैं जा रही हूँ बहुत टाइम के बाद आज मैं मंदिर जा रही हूँ, चलो चलते हैं। तो मंदिर की सफाई चल रही है अभी, आफ्टरनून का टाइम है ना, तो मैं नीचे आई भगवान के दर्शन किए, उसके बाद मैंने, मेरी फ्रेंड आ गई थी, आप मेरी फ्रेंड को तो जानते ही हैं, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, और फिर हम लोग ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए, उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी, एंड फिर लंच वगैरह करने के बाद हम लोग लेट गए थे, रेस्ट किया, ईरू को सुलाया, वो सब काम किया, इसके बाद फिर कुछ व्लॉग नहीं किया था। चलिए मिलती हूँ कल, बाय बाय, टेक केयर। चलो ईरू उठ गई होगी।